नहीं बोलो तो गाइस कैसे हो, उम्मीद करते तो सब बढ़िया होंगे अच्छे होंगे। तो गाइस मेरे चैनल पे सबको स्वागत है। तो गाइस आज मैं जाने वाला हूँ रामपुरहाट आनंदो मेला में। तो हम सुना है वहाँ पे रामपुरहाट में एक अच्छा ज़बरदस्त मेला चल रहा है, और साथ ही साथ मेला में बेल्डर ऑफिशियल जो यूट्यूब फेमस फेसबुक फेमस जो बेल्डर ऑफिशियल है वो आने वाला है। तो उस चीज़ को हम देखने वाला हो, और मेला का जो पूरा टोटल जगह जो है मैं वो घूमने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, साथ साथ इंजॉय करने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग को मैं उस चीज़ दिखाने वाला हूँ। गाइस उस चीज़ को देखने के लिए इस वीडियो को आप लोग को एंड तक रहना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चले गाइस आज की ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली देख पा रहे हो तेल भरने आ चुके हैं फिर से, एक ही बात रोज की तरह हम लोग आज भी तेल भर रहे हैं। गाइस देख पा रहे हो, तो तेल भरने के बाद हम लोग फिर रवाना होंगे गाड़ी लेके, और मेले के अंदर एंट्री करेंगे हम लोग। तो तेल भरना हो गया, पैसा देते हैं गाइस फाइनली, ठीक है। तो गाइस फाइनली पैसा दे दिया, देख पा रहे हो 500 का नोट दिया, चेंजिंग दे रहा है। सब लोग देख पा रहे हो ये तारापीठ, आई लव, देख पा रहे हो तारापीठ। सो गाइस फाइनली हम रामपुरहाट पहुंच चुके हैं। गाइस आप लोग देख पा रहे हो, और रामपुरहाट ये नाका रेलवे स्टेशन का जो नाका है, नाका में खड़ा है हम, और आप लोग देख पा रहे हो ये टावर, ये रामपुरहाट का घड़ी मीनार का टावर है गाइस, और काफ़ी अच्छा काफ़ी लुक जबरदस्त बनाया है, देखने मज़ा आ रहा है गाइस आप लोग देख करो। तो गाइस अगर कभी भी आप लोग आओगे ना रामपुरहाट तो ये जगह आ जाना और देखने का, तो गाइस अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। और हम लोग चाय पीने आया था गाइस, थोड़ा चाय पिया। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जाएंगे मेला के अंदर और आप लोग को दिखाएंगे आनंदो मेला। गाइस चलते हैं अभी फ़िलहाल। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आनंदो मेला में रामपुरहाट, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अंदर गया नहीं, अंदर जाएंगे, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग हो रहा है तो हम लोग गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली गाड़ी पार्किंग करें तो चलते हैं गाइस, अभी फ़िलहाल अंदर जाते हैं और देखते हैं मेला किस तरह सा है, और आप लोग को साथ साथ दिखाते हैं। तो चलो गाइस फॉलो। तो गाइस फाइनली मेला के मेन गेट पे पहुंच गए, आज हमारे मेला पर अंगूरी फेसबुक एवं यूट्यूब पर विख्यात तो बिल्डर ऑफ मेला सजा हुआ लगा हुआ है गाइस, टीम हमारे आनंद वाले आपके सही में यार गाइस, काफी अच्छा जबरदस्त मेला है ये। तो गाइस यहाँ पे पान का मसाला का दुकान लगा हुआ है, तो हम लोग ट्राई मारेंगे बाद में। तो गाइस ये रामपुरहाट कॉलेज का मार्ग है, मैदान मार्ग, और यहाँ पे काफ़ी असम मेला लगा हुआ है, काफ़ी सारा पब्लिक है यहाँ पे मेला पे, और काफ़ी मज़ा आने वाला है मेला।
तो गाइस यहाँ पे भी दुकान, गाइस चारों साइड पे दुकान लगाए, काफी बड़ा मेला है। हम लोग गांव गांव में जितना मेला घुमाते हैं, छोटा छोटा मेला घुमाते हैं, लेकिन ये बड़ा मेला है। और छोटा मेला नहीं है, काफी बड़ा है गाइस। सब लोग देखते हैं अंदर जाते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे गुड़िया का सामान लगा हुआ है, बच्चे का देख पा रहे हो गाइस। यहाँ पे बच्चे का खेलना लगा हुआ है, छोटा गाड़ी, बच्चे बैठ सकते हैं यहाँ पे, देख पा रहे हो, घूम रहे हैं गाइस। काफी ऑसम है गाइस। काफी अच्छा लुक दे रहा है छोटा छोटा गाइस। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये जहाज के पायलट है, ये जहाज है शायद। बच्चे लोग मजा ले रहे हैं यहाँ पे, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं गाइस। अरे गाइस, अरे बड़ा वाला नागोतना है। ओ गाइस सो मच। यहाँ पे काफी सारा दुकान भी लगा है, फूल का दुकान है ये। तो गाइस यहाँ पे लगा हुआ है गुड़िया का खेलना, बच्चे का, बढ़िया है, जबरदस्त है। तो गाइस 100 रुपया दाम बोला ये। काफी बड़ा मेला है गाइस। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं गोली मारने। ये बंदूक है, 1 2 3 4 5 6 बंदूक है। और यहाँ पे काफ़ी सारा लेडीज खड़ा है, बंदूक सेल्फी ले रहा है। तो हम ट्राई करने वाला है, देखते हैं, पकड़ो चलो। फिर आ गया, चलो मार दिया मैंने। बच्चे लोग देख पा रहे हो, खेल रहे, कूद रहे हैं, काफी मजा ले रहा है यार। बचपन में हम लोग भी छोटे में यहाँ पे खेला करते थे, देख पा रहे हो कैसा आनंद ले रहे हैं बच्चे लोग। काफी मजा आ रहा है गाइस। और यहाँ पे देख पा रहे हो गाइस, ये बड़ा वाला नागतना मौसम लग रहा है यार, बहुत बड़ा है ये, सबसे बड़ा नागतना है। सही में यार रामपुर हाट मेला काफी अच्छा है, काफी अच्छा लग रहा है मुझे, एंटरटेनमेंट मुझे मिल रहा है, खुशी आ रहा है। और यहाँ पे लगा हुआ है, ये बंद है, ये भी बंद है, कस्टमर कम है इसके लिए बंद है, छोटा मोटा ऐसा लगा हुआ है। और ये चल रहा है गाइस, यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा पब्लिक है नहीं, फिर भी ये चल रहा है गाइस। और ट्रेन आप लोग को ये दिखाता है, ये भी है, खाली है, पब्लिक नहीं है, ट्रेन गाइस फाइनली देख पा रहे हो गाइस, ये ट्रेन है, पब्लिक तो है नहीं गाइस। ट्रेन आ रहा है, अभी स्लो हो गया है गाइस। व्हाट्सअप प्लेस है रामपुर हाट आनंद मेला, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि म्यूजियम मेला है ये। लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे बच्चे का खिलौना का ट्रेन गाड़ी नागोदना जहाँ पे जो लगा हुआ है,
सबका 60 रुपया ले रहा है, एक ही भाव लगा है सब मिलजुल के 60 रुपया 60 रुपया 60 रुपया। ठीक है भाई साहब, लोग देख रहे हो यहाँ पे सब जगह पे 60 रुपया लगा है। जो गरीब घर का होगा इतना महंगा कैसे झेल पाएगा वो, गाइस इतना नहीं करना चाहिए था। कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस। 60 रुपया लगाना ज़्यादा हो गया, ये नहीं लगाना चाहिए था, कम से कम 30-40 रुपया लगाना चाहिए था, है कि नहीं गाइस? ठीक बोला गाइस। चलो और थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं गाइस, थोड़ा सा देखा आ रहा है, भीड़ हो रहा है गाइस।
तो गाइस फाइनली हम मेला में आके घूमने के साथ ही साथ एक लॉटरी का टिकट मिला मुझे कूपन, और मेरा लाइन था फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन में मुझे कूपन मिला लॉटरी लाइन। अगर मेरा अगर लाख साथ देगा तो लॉटरी में मेरे को प्राइज मिल सकते हैं, क्योंकि प्राइज कौन सा मिलेगा मुझे मालूम नहीं है। मेरा 3901 नंबर है, नंबर आप लोग देख करो गाइस, तो देखते हैं मेरा लाख साथ देता है कि नहीं देते गाइस। हेलो अन्य पचंद আমি আমার জীবনে কোনোদিনে ভাবিনি যে এতটা ভালোবাসা পাবো। এই যে অসংখ্য ধন্যবাদ। জীবনে বাঁচতে গেলে ব্যবসা বাণিজ্য পড়াশোনায় সব জায়গায় কিন্তু খেলাধুলির দরকার আছে। সেই খেলাধুলি মানুষের উপকৃত হয়, আর খেলাধুলি করবা কোনোদিন যেন মানুষের ক্ষতি না হয় সেরকম খেলাধুলি কেউ করবো। আরে বাবা, আমি তো আব্বা হয়ে গেছি, আমি তো বাবার বয়সের লোক, তুই তো ছেলে মানুষ, তা তুই তো সদাকে ফেলতে পারিস। আব্বারা সব ভালো আছে তো? তুই অসুবিধা কোথায় বল একবার, লক্ষ্মী বাবু বল আব্বারা সব ভালো আছে তো? বল না, আমি বলতে পারবো না আব্বা সব সময় আর কি। আরে সবাইকে যদি জিজ্ঞেস করিস আব্বারা সব ভালো আছে তো, তাহলে কি তোর মায়ের সবাই
বেশি কিছু বলা যাবে না বুঝলি সবাই কাছে তো বলেছি আপনারা সব ভালো আছো তো তা সবাইকে তোর মায়ের ভাত প্রাণ খুলি বল ভালো বাসা এটা বল আপনারা সব ভালো আছো তো বল তোমরা সবাই রাহুলের আম্মা হয়েছে চাও কি হয়েছে চাই বিন্দাস বল 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 ভাই কাই বললে বলা যায় না আপা কি করে বলবো তুমি বলো আরে আশ্চর্য ব্যাপার তো আরে আপা বললে কি রে আপা হয়ে যাবে সবাই তোর আবার মাইকটা দাও তো মাইত্রাপ্পা আবার কেউ বলল না মাত্র ওনার বোন থেকে দেখো মাত্রাপ্পা থেকে বলছে দেখো তুমি যে যান দেখো তুমি স্থিতি বুঝে দেখ মাত্রাপ্পা जय हिंद जय भारत।